अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान सबको एजुकेटर्स पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, एजुकेटर्स की जितनी भी जॉब्स पहले आती थी वो एनटीएस के थ्रू आती थी, तो अब एजुकेटर्स की जो जॉब है वो पीपीएससी के थ्रू अनाउंस की गई है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी सीट्स हैं और किस तरह अप्लाई किया जा सकता है और क्या सिनेरियो है। तो आपने एज यूजुअल यहाँ पे लिखना है एजुकेटिव जॉब्स, ठीक है। जैसे ही आप एजुकेटिव जॉब्स लिखेंगे आपने एंटर प्रेस करके सर्च कर लेना है और आपके सामने जो पहला लिंक होगा एजुकेटिव्स के नाम से वो ये होगा एजुकेशन लर्निंग पॉइंट। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एजुकेशन लर्निंग पॉइंट की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कीवर्ड्स के जो है उसको यूज करते हुए आप जो है जॉब्स या आर्टिकल्स को सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कीवर्ड आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे पश्तो में करना चाह रहे हैं तो पश्तो है, उर्दू है, हर चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे पेज को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ट्विटर पर हमें फॉलो करना चाह रहे हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे जॉब्स आई हैं पीपीएससी के थ्रू एजुकेटर्स में। तो मैं यहाँ पे पीपीएससी लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्लीट जो पीपीएससी की जो लेटेस्ट जॉब्स हैं वो सारी की सारी आपके सामने जो है शो हो रही होंगी। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि लेटेस्ट पीपीएससी जॉब्स एडवर्टाइजमेंट 33/2019, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब लोकेशन पंजाब है, पीपीएससी है, इस वजह से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, न्यूज़पेपर जंग है, 29 को ये पब्लिश हुआ है और 14 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पर किस किस तरह सीट्स हैं देखें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपसे मैं पहले कह चुका हूँ कि जो मुराद दास है, जो हमारे मिनिस्टर हैं पंजाब के एजुकेशन के, तो उन्होंने कहा है कि अब एनटीएस की जगह जो है वो पीपीएससी जो है ये सीट जो है वो कंडक्ट की जाएंगी। अब एलिमेंट्री स्कूल है, बीपीएस 14 है, 595 सीट्स हैं साइंस साइंस और आर्ट्स की। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीनियर एलिमेंट्री स्कूल है, आप देखें साइंस आर्ट कंप्यूटर साइंस रैपिक फिजिकल एजुकेशन टीचर पीएटी एंड ड्राइंग मास्टर उसकी 184 है। फिर पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिर सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स 43, फिर साइंस आर्ट कंप्यूटर साइंस, इसके बाद स्पेशलाइज जो हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये होगी सारी एजुकेटर्स। अब यहाँ पर सीट आ जाती हैं डॉक्टर्स की, तो ये सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक, उसके बाद बीपीएस 18 है, 2 सीट्स हैं। फिर उसके बाद ये सारी की सारी देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे लेबर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट है, इसके बाद लेबर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, सब इंजीनियर है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके सामने जो है कंप्लीट जो है एडवर्टाइजमेंट है। तो अगर आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एडवर्टाइजमेंट जो है ओपन हो जाएगी। तो मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप जूम करके भी इसको जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है इसकी ही वेबसाइट पे चले जाते हैं, ppscjobs.aspx। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या चीजें डिमांड की गई है। यहाँ पर होम है, मैं होम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपके सामने जो है यहाँ पे 33 एडवर्टाइजमेंट 33/19 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे सीट भी पेंशन है कि कहाँ कहाँ किसके लिए है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए है। अब देखिए, ये तहसील मरी है डिस्ट्रिक्ट पिंडी में, तो ये सारे के सारे जो सीट्स हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पिंडी के लिए वो जो है अनाउंस की गई हैं। इसके बाद तहसील कोटली सटिया, फिर डिस्ट्रिक्ट वही पिंडी, फिर ये देखेंगे वही सारे के सारे सीट्स हैं और मेंशन है कि टोटल 77 सीट्स हैं और फीमेल के लिए 143 हैं, और इधर भी मेल के लिए जो है 111 है और यहाँ पे फीमेल के लिए 173। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पे तहसील ईसा खेल है डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ, और उसके बाद ये देखें कि टोटल ये भी सीट्स हैं, यहाँ पे 70 सीट्स हैं मेल के लिए और जो है 99 सीट्स हैं फीमेल के लिए। तो यहाँ पे टोटल मेंशन है कि कौन कौन सी पोस्ट किसके लिए है, कौन से सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि कहीं कोटा है कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है तो वहाँ पे ओपन मेरिट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे एजुकेटर्स की है मियांवाली और रावलपिंडी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है, तो उनको जल्दी जल्दी अप्लाई करें। और तहसील पिपला डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, उसी तरह यहाँ पे मेल के लिए 32 सीट है और फीमेल के लिए 11 सीट्स हैं। तो यहाँ पे ये सारे सारी क्वालिफिकेशन मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री जियोलॉजी, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड एमएस, उसके बाद जो है एमएड, ये सारे के सारे यहाँ पे देखें। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन है कि यहाँ पे इसका सिलेबस क्या होगा। तो वन पेपर एमसीक्यू, टाइपिंग, रिटर्न,
इसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, उसमें से 50% आएगा। फिर जनरल नॉलेज है, उसके में से 50% आएगा। जनरल नॉलेज में आप चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर एंड सो ऑन। अब देखें इसी तरह यहाँ पे बीपीएस जो है वो ईएससी जो बीपीएस 14 है, 15 और 16 के लिए उनका ये वाला सारे का सारा जो है आपका जो है वो मटेरियल यहाँ से आएगा। फिर उसके बाद बीपीएस 15 कंप्यूटर साइंस, उसका सारे का सारा ये मटेरियल होगा। फिर क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस, फिर यहाँ पे सारे के सारे ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। फिर बीपीएस 15 है, उसके लिए सारे के सारे ये इन्फॉर्मेशन होगी कि मतलब क्या टेस्ट होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर सेकेंडरी एलिमेंट्री स्कूल जो है उसके लिए डीएम, फिर उसका 15 स्केल है, उस तरह मास्टर डिग्री बीएस ऑनर्स, फिर 16 ईयर एजुकेशन। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल के लिए एज उन्होंने डिमांड की है 20 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और 5 साल का और भी जो है एज रिलैक्सेशन है। फीमेल के लिए 38 साल है और उसके लिए 35 साल है। तो बॉयज़ स्कूल के लिए मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल मेल ही होंगे, लेकिन मेल एंड मेल ट्रांसजेंडर भी जो है वो वहाँ पर पोस्टिंग की जा सकती है। फिर फॉर गर्ल्स स्कूल है फीमेल एंड फीमेल ट्रांसजेंडर, फिर डिस्ट्रिक्ट पिंडी, फिर फॉर तहसील मरी एंड तहसील कोटली सटिया, फिर उसका मियाँ वाली, फिर तहसील मियाँ वाली और ईसा खेल एंड ईसा तहसील पिपला। फिर डोमिसाइल जो है उसी का होगा जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। और बॉयज़ स्कूल्स, फिर फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड स्कूल फीमेल कैंडिडेट्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि सारी सारी मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे एक और इन्होंने नोट एक दिया हुआ है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डोमिसाइल होल्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पिंडी आर विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर तहसील मरी एंड कोटली। मतलब जिसका जहाँ का डोमिसाइल है सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह पिंडी है तो पिंडी, उसके बाद मियाँ वाली है तो मियाँ वाली। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये भी लिखा होगा 4 एडिशनल मार्क्स भी हैं एलोकेटेड फॉर तहसील एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। उनको स्पेशल 4 नंबर भी दिए जाएंगे। उसके बाद अपॉइंटी हु लैक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल हैव टू एक्वायर रिक्वायर्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद इन कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, अदरवाइज ही विल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ, ठीक है। आपके पास बी एड लाजमी होना चाहिए, अगर आपका नहीं है तो आपने जो है उसकी सारे जो है टाइम के मुताबिक जो है वो लाजमी कंप्लीट करना है। इसके बाद कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म द चॉइस ऑफ सेंटर एंड यू विल नॉट बी चेंज, ठीक है। आप जो है वो सेंटर बाद में चेंज नहीं कर सकते। अब दोस्तों बाकी जो है सीनियर स्टार है उसके लिए एमबीबीएस है, उसके लिए 50 साल मेल के लिए और फीमेल के लिए 53 साल है। उस तरह पीएमडीसी और एक्सपीरियंस जिस तरह आप बेहतर जानते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सीनियर रजिस्ट्रार है उस तरह एमबीबीएस, उसके बाद 50 साल, यहाँ पे मेंशन है कि कहाँ पे पोस्टिंग होगी, किस हॉस्पिटल में है। फिर सीनियर स्टार, फिर यहाँ पे मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट है उस तरह बीएस ऑनर्स इन यूनिवर्सिटी, क्या उन्होंने किया हुआ है कि जी प्राइवेट एंटिटीज शैल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज टेस्ट होगा और क्वालिफिकेशन रिलेटेड टेस्ट होंगे। फिर यहाँ पे सारे का सारा सिलेबस भी मेंशन है। फिर ये सब इंजीनियर्स हैं लेबर डिपार्टमेंट में, ठीक है। 5 ईयर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा और यहाँ पे सब इंजीनियर 11 है। ये देखें शेर बंगाल लेबर कॉलोनी फेज 2 शेखपुरा में है, ये भी शेखपुरा, ये रहीम यार खान, ये कॉलोनी मुल्तान, और ये भी जो है वर्कर्स वेलफेयर कम्प्लेक्स मुल्तान। ये फीमेल की सीट है, ये मेल की सीट है, ये मेल मेल एंड मेल, ठीक है। यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। मेल के लिए 30 साल है और फीमेल के लिए 33 साल है। तो दोस्तों आप देखें आपको पता है बेहतर, फिर अगर आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है तो आपने किस तरह अप्लाई करना है, सीधा यहाँ पर ये यह देखें कि सारे की सारी सीट्स आई हुई हैं। तो यहाँ पे आप किसी के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये पेज ओपन हो जाएगा, आपने इसको अंडरस्टूड कर लेना है। और यहाँ पे आप देख लें कि आपने जिस पोस्ट के लिए करना है, सपोज करें ये ईएस है तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस करता हूँ तो कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, ठीक है। ईएस है इस तरह, यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि कौन कौन सी पोस्ट है। फिर अगर यहाँ पे आपने अप्लाई करना है सब इंजीनियर तो यहाँ पे आपने सब इंजीनियर को सिलेक्ट कर लेना है, देखें सब इंजीनियर, ठीक है। यहाँ पे तो मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे आप टाइप करके सर्च करेंगे और ये जो है पेज को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा और आपने इस चीज़ को फॉर्म फिल अप फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है और इस तरह यहाँ पे जो है ओके करते करते अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा, और अगर आपको इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।